आगे बढ़ते हैं। परवेज इलाही, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर समेत पीटीआई उम्मीदवारों के अपीलों पर फैसले महफूज। बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत ना हो सकी। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नकवी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस जवाहर हसन पर मुश्तमिल तीन रुकनी फुल बेंच ने आज छुट्टी के रोज भी लाहौर हाईकोर्ट में कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। तो इस हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा इजाज चौधरी के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी और यूं इजाज चौधरी भी इस इलेक्शन से बाहर हो गए हैं, जबकि फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, सनम जावेद और उनके साथ साथ हमाद अजहर समेत दीगर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ बदस्तूर दरख्वास्तों पर फैसला महफूज है। आज भी इस हवाले से फैसला सुनाया जाना था लेकिन फैसला नहीं सुनाया जा सका। अब तमाम दरख्वास्तों पर कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी गई है और साथ ही साथ बानी पीटीआई के NA 122 और मियांवाली के हलके से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ भी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी और इस हवाले से कल बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत का इम्कान है। जी इशफाक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।